दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अपने मोबाइल से आप किस तरह से अल रियाद बैंक में सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अल रियाद बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना तो आज का वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज का वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए, इंशाल्लाह पठानी के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो में बहुत बहुत स्वागत है। और जो दोस्त पहली बार आए हमारे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी आप लोगों के लिए इसी तरह यूजफुल वीडियो बनाकर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, अभी आपको मैं ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अल रियाद बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इस पेज का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस पेज को ओपन कर सकते हैं। इस पेज को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए। अभी आपके सामने इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक दिन में 3 बार चांस मिलेगा आपको अकाउंट ओपन करने के लिए, और मैक्सिमम चांस जो है 5 टाइम्स मिलेगा। मतलब कि अगर आप 5 बार में किसी गलती के कारण अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर अपना कामा नंबर लिखेंगे। अकामा नंबर लिखने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों आपके सामने इस तरह का नाफास का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको अपना अपशेयर का यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं भी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेता हूँ। अभी आपका अपशेयर में जो भी नंबर रजिस्ट्रेशन हो रहेगा उस नंबर पर आपको OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर लिखेंगे। मेरा OTP आ गया तो मैं अपना OTP यहाँ पर लिख देता हूँ। OTP लिखने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पर कुछ देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि बैंक की तरफ से आपका अपशेयर में जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई किया जा रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा देर वेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही मेरा ऑटोमेटिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारा डिटेल यहाँ पर सामने आ गया है। आपका भी इसी तरह से पूरा डिटेल सामने आ जाएगा। दोस्तों आप सारा कुछ देख लीजिए, देखने के बाद में आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अभी दोस्तों यहाँ पर ही आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल लिखना है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप किस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पे लिखिएगा, आपका जॉब सेक्टर क्या है उसको यहाँ पे लिखिएगा, और आप कब से काम कर रहे हैं, आपका स्टार्टिंग डेट कितना था उस डेट को यहाँ पर ही आपको लिखना होगा। तो चलिए मैं भी अपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल लिख देता हूँ यहाँ पर ही। एम्प्लॉयमेंट डिटेल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपके पास में नेशनल एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जो एड्रेस उसमें लिखा हुआ रहेगा वही सेम एड्रेस आपको यहाँ पे भी लिखना है दोस्तों, क्योंकि आपको उसी एड्रेस पे आपका ATM कार्ड पोस्ट किया जाएगा। अगर आपके पास में नेशनल एड्रेस प्रूफ नहीं है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख के आसानी के साथ अपना एड्रेस प्रूफ बना सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो चलिए मैं भी अपना यहाँ पर एड्रेस डिटेल सबमिट कर देता हूँ। एड्रेस दोस्तों पर ध्यान से सही सही भरिएगा क्योंकि इसी एड्रेस पे बैंक के तरफ से आपका ATM कार्ड पोस्ट किया जाएगा। एड्रेस लिखने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पर ही अपना सैलरी डिटेल लिखना है। जैसा कि मैं कंपनी में काम करता हूँ मुझे मंथली सैलरी मिलता रहता है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा सैलरी 2000 रियाल। नीचे एडिशनल इनकम सोर्स कि आपका एक्स्ट्रा कुछ इनकम है अगर आपका है तो आप लिख सकते हैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर ही नन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ डू यू लाइक टू रिसीव एडवर्टाइजमेंट मैसेज फ्रॉम रियाद बैंक अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस एंड ऑफर, तो यहाँ पर ही आप सेलेक्ट कर लीजिए यस।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट पर मंथ, तो यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ 2000 रियाल। इसका नीचे लिखा हुआ एक्सेप्टेड विड्रॉल अमाउंट पर मंथ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1500। एडिशनल इनकम पर मंथ, तो मैं यहाँ पे 00 एंट्री कर देता हूँ। इसका नीचे लिखा हुआ दोस्तों आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि आप अपंग तो नहीं है, तो जैसा भी आपका जवाब रहेगा आप उस जवाब को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं यस और नो, तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। टोटल इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सबमिट करना है, मोबाइल नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर के बाद दोस्तों अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज खाली छोड़ दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। अभी आपको अपना मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस कंफर्म करने के लिए दोबारा से अपना मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस डालना होगा। दोबारा से अपना फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस लिखने के बाद इस कॉल करके नीचे आइए। अभी आपको अपना किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स का डिटेल यहाँ सबमिट करना है। ओके, मेरा एक भाई है तो मैं इसका डिटेल यहाँ डाल देता हूँ। पहले लिखेंगे फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, रिलेशनशिप, उसका मोबाइल नंबर, अभी यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे दोनों में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हो सबमिट, इस पर क्लिक करेंगे। ओके दोस्तों, फाइनली मेरा रियाद बैंक में अकाउंट ओपन हो गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन, योर रियाद बैंक अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ मेरा अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप देख सक रहे होंगे। इसका नीचे लिखा हुआ द ATM आधार कार्ड विल बी डिलीवर्ड टू यू एंड यू कैन सेट द पिन कोड द एनी फ्रॉम रियाद बैंक ATM। आप देख सक रहे होंगे रियाद बैंक की तरफ से मुझे मैसेज मिल गया, वेलकम मैसेज। इसका मतलब कि मेरा अकाउंट जो है सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो चुका है। आई होप दोस्तों अभी आप आसानी के साथ अलरियाद बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट कर जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या मन किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट जितना जल्दी हो सके कमेंट कर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अगर वो भी चाहते हैं अलरियाद बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों, क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह यूजफुल वीडियो बनाकर लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। Thanks for watching this video. Bye bye and take care.